तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी A04S मोबाइल में आप किस तरीके से स्क्रीन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम है, सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपसे मिल जाएगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर ही एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर पैटर्न पिन या पासवर्ड पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पिन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक पिन बना लीजिए। पिन बनाने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर से आपको पिन कंफर्म करवा देना है और ओके कर देना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लेना है। आपके जो साइड बटन पर फिंगरप्रिंट दिया गया है उस पर आप लगा करके स्कैन करवा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं स्कैन करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी स्कैन करवा लेना है। तो ये लगभग 100% हो चुका है देखिए, और इस तरीके से आपको डन कर देना है। अब आपका फिंगरप्रिंट स्कैन लॉक जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लॉक, और जैसे हम फिंगर लगाएंगे तो ये ऑन हो गया।